नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका चिरपरिचित दोस्त पुनः उपस्थित हूं। दोस्तों, आप सभी की सेवा में एक नई औषधि लेकर के जो आप सबके लिए बेहद कारगर साबित होने वाली है, दोस्तों बेहद लाभकारी साबित होने वाली है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे तेज पत्ता के बारे में। तेज पत्ता मधुमेह, अल्जाइमर्स, बांझपन, गर्भस्राव, स्तनवर्धक, खांसी जुकाम, जोड़ों का दर्द, रक्त पित्त, रक्त स्त्राव, दांतों की सफाई, सर्दी जैसे अनेक रोगों में उपयोग होती है। ये हमेशा हरा रहने वाले पेड़ तमाल वृक्ष के पत्ते हैं। इसको तमाल पत्र यानी कि तेज पात या तेज पत्ता कहते हैं दोस्तों। तेज पात मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है दोस्तों। यह सिक्किम, हिमालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में पैदा होता है। तेजपात पेड़ से पत्ते तोड़कर धूप में सुखाकर पंसारी की दुकानों पर बेचे जाते हैं। तेजपत्ता में दर्दनाशक एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। तेजपत्ता मधुर, कुछ तीक्ष्ण, उष्ण, चिकना, तैलीय होता है। वात कफ नाशक और पाचक होता है। आयुर्वेद में अनेक गंभीर रोगों में इसके उपयोग किए जाते हैं। आइए आज विस्तार में जानते हैं हम दोस्तों तेज पत्ता के लाभ के बारे में। मधुमेह में तेज पत्ते का प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, तेजपात को पीसकर बहुत बारीक चूर्ण बना लें। इसकी एक चम्मच नित्य 3 बार पानी में फांकी लेने से, यानी पानी के साथ फांकी लेने से मधुमेह के रोगी को शीघ्र लाभ होता है। रक्त में से शर्करा की मात्रा शीघ्र ही घट जाती है दोस्तों। रात को 1 चम्मच तेजपात का पाउडर 1 कांच के गिलास में डालकर 3/4 गिलास पानी से भरकर चम्मच से अच्छी तरह हिलाएं और ढककर रख दें। सवेरे उस गिलास के पानी पर जैली जैसी परत जमी हुई दिखेगी आपको। इस परत को हटाकर फेंक दीजिए और पानी को मलमल के कपड़े से छान कर पिएं। इसके बाद आधा घंटा कुछ भी न खाएं, न ही पिएं दोस्तों। रात को पीसी हुई हल्दी 1/2 चम्मच सोते समय 1 कप पानी में घोल कर पिएं। इसके बाद ठंडा पानी या दूध न पिएं। यह प्रयोग लंबे समय तक करते रहें, मधुमेह नियंत्रित हो जाएगा दोस्तों। स्मरण शक्तिवर्धक। जी हाँ दोस्तों, अल्जाइमर्स में उपयोगी तेजपात मस्तक पोषक है। जी हाँ दोस्तों, तेजपत्ता एसिटिलकोलाइनेस्टेरे नामक खतरनाक एसिड को बनने से रोकता है, जो मस्तिष्क के संदेशवाहक हार्मोन ओस्टियोकैल्सिन को तोड़ने का काम करता है। तेजपत्ता को नित्य खाए जाने वाले भोजन में शामिल करें, इससे स्मरण शक्ति बढ़ेगी और अल्जाइमर्स बीमारी पर नियंत्रण होगा। बांझपन, गर्भस्राव की चिकित्सा। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी किसी स्त्री को गर्भधारण में बहुत ही प्रॉब्लम होती है दोस्तों। बांझपन की समस्या का सामना करना पड़ता है। किसी को गर्भ ठहरने के बाद गर्भस्राव हो जाता है। तेजपात दोनों ही समस्याओं को दूर करता है। तेजपात का पाउडर 1/4 चम्मच 3 बार पानी से नित्य लें। कुछ महीने तेजपात की फंकी लेने से गर्भाशय की शिथिलता दूर होकर गर्भधारण हो जाता है दोस्तों। जिन स्त्रियों को गर्भस्राव होता हो, वे गर्भवती होने के बाद इसी प्रकार तेजपात पाउडर की फंकी कुछ महीने लें। इस प्रकार तेजपात से गर्भ संबंधी दोष दूर होकर गर्भधारण में सहायता मिलती है। स्तनवर्धक। तेजपात पाउडर की फंकी लेने से जिन स्त्रियों के स्तन बहुत छोटे पतले होते हैं, उनके स्तनों का आकार बढ़कर मोटा हो जाता है। तेजपात का तेल किसी अन्य तेल में मिलाकर मालिश भी करें। जुकाम खांसी। जी हाँ दोस्तों, जुकाम और खांसी में तेजपात कफ जन्य रोगों को ठीक करता है। 1/4 चम्मच तेजपात पाउडर की गर्म पानी से नित्य 3 बार फंकी लेने से सर्दी, जुकाम और खांसी ठीक हो जाती है दोस्तों। तेजपात और छोटी पीपल समान मात्रा में पीसकर 1/2 चम्मच चूर्ण को 1 चम्मच शहद में मिलाकर
तीन बार चाटने से खांसी ठीक हो जाती है। जोड़ों का दर्द, मूत्रल, ज्वराधन, तेजपात के चार पत्ते एक गिलास पानी में उबालें। उबलते हुए पानी आधा रहने पर छान कर नित्य तीन बार पिएं। इससे पेशाब अधिक आता है, ज्वर या बुखार पसीना आकर उतर जाता है तथा पुनः ज्वर नहीं आता, बदन का दर्द ठीक हो जाता है। दोस्तों, सिर दर्द, जी हाँ दोस्तों, सर्दी या गर्मी में किसी भी प्रकार से सिर दर्द हो तो तेजपात डंठल सहित पीसकर हल्का गर्म करके ललाट पर लेप कर दें, दर्द मिट जाएगा। रक्त पित्त यानी कि रक्त स्त्राव होने पर आपके मुंह, नाक, मल, मूत्र किसी भी रास्ते से अगर रक्त निकलने लगे तो एक गिलास ठंडे पानी में एक चम्मच पिसा हुआ तेजपात मिलाकर हर दिन घंटे बाद यानी कि एक घंटे बाद पीने से रक्त स्त्राव बंद हो जाता है। दोस्तों, दांतों की सफाई, जी हाँ दोस्तों, सूखे तेज पत्तों को बारीक पीसकर हर तीसरे दिन एक बार मंजन करें, इससे दांत चमकने लगेंगे। सर्दी के रोग, सर्दी में शरीर में दर्द, नाक में सुरसुराहट, छींके आना, पानी गिरना, सिर में भारीपन होना, जलन, गला बैठना, तालू छीलना आदि होने पर 10 ग्राम तेजपात कूटकर तवे पर सेंक कर रख लें। इसका एक भाग 2 कप पानी में स्वादानुसार दूध, चीनी मिलाकर, यानी कि चीनी अपने स्वाद के अकॉर्डिंग मिलाइए दूध में, और इसे चाय की तरह उबालकर छानकर दिन में 3 बार पिएं, सर्दी जनित रोग ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, विशेष जो लोग आहार विहार के नियमों का पालन करते हैं उनको दवाओं की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं पड़ती है। वे घर में ही उपलब्ध दालचीनी, तेजपात आदि के प्रयोग से स्वस्थ हो सकते हैं। दोस्तों, तो आज की हमारी औषधि रही दोस्तों तेज पत्ता। अगली बार हम आप सभी से मिलेंगे एक नई औषधि लेकर के, एक नया नुस्खा लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।